नाउ नेक्स्ट इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, और इसके लिए हम हेडिंग टाइप कर लेते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। इसके बाद कैश फ्रॉम बोरोइंग, पेड इन कैपिटल, और टोटल कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट इज कैश फ्रॉम बोरोइंग। कैश फ्रॉम बोरोइंग के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल्स टू बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास क्रेडिट लाइन में से जो करंट मंथ क्रेडिट लाइन है उसमें माइनस कर दिया हमने लास्ट मंथ की क्रेडिट लाइन को एंड देन एंटर। सो फर्स्ट हमारे पास कैश फ्रॉम बोरोइंग का रिजल्ट आया, एंड देन इसी तरह से कैपिटल इक्वल्स टू बैलेंस शीट पे जा रहे हैं और पेड इन कैपिटल हमारे पास है। पेड इन कैपिटल में करंट मंथ में से माइनस लास्ट मंथ को हम माइनस कर देंगे, सो हमारे पास 50,000 आंसर आ गया। एंड टोटल कैश फ्रॉम इक्वल टू सम, और दोनों सेल्स को हमने ऐड कर दिया एंड देन एंटर। और उसके बाद चूंकि 50,000 हमने सिर्फ इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया था अपने बिजनेस के अंदर और फिर उसके बाद हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था डेटा की फॉर्मेटिंग को कंप्लीट करने के बाद, उसे कॉपी पेस्ट करते हैं और तमाम सेल्स के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। आप देखें कि इनिशियली सिर्फ इन्वेस्टमेंट हमारी 50,000 थी, बाकी उसके बाद हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट पे नहीं की है।